आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर नेकलाइन बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है। बुकरम मैंने ये 7 इंच चौड़ी ली है और इसको मैंने डबल कर लिया है। इस तरह हमने डबल कर लिया है इसको। और अब हम सबसे पहले गले की ब्रॉडनेस लगाते हैं। गले की ब्रॉडनेस हम 2.5 लगाएंगे। और जो ये है हमारा गले की डीपनेस है वो हम 8 इंच लगाएंगे। इस तरह हम लेके इसको एक ये बॉक्स बना लेते हैं। और अब हमने गले की इस तरह गोलाई देके पहले शेप देनी है आपने। ये देखिए, पहले हम इसमें पान वाली शेप देंगे। इस तरह शेप दे देंगे। और हमने गले के नीचे थोड़ा डिजाइन बनाना है। यहाँ पे हम लूप्स और बटन्स वाला डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 8 इंच और ले लेना नीचे। ये टोटल 16 इंच हो जाएगा। 8 इंच की मैंने बुकरम और ले लिया नीचे। और ये हम 1 इंच की पट्टी यहाँ पे लेंगे। 1 इंच की पट्टी लेके अब मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। ये ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह हम निशान लगा लेंगे। और अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। ये जो है ऊपर वाली पट्टी हमने दिखानी है, तो इसको हमने बिल्कुल बराबर काटना है। पहले हम एक बार इसको रफली कटिंग कर लेते हैं। बाद में हम इसकी शेप अच्छी तरह डाल देंगे। इस तरह कर देंगे इसको। आगे से थोड़ा सा तिकोना कर दिया मैंने। और अब हम यहाँ से ऊपर से कटिंग करेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह हमने इसको कट कर दिया। अब हमने जो ये वाला एरिया है इसको थोड़ा छोड़ के 1 इंच हमने छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ने के बाद हमने थोड़ा सा कट लगाना है बिल्कुल एक पॉइंट का, और इसको अंदर से भी काट देना है। और यहाँ पे अब हम अच्छी तरह शेप देंगे और ये पट्टी है जो इसको बराबर करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा गला इस तरह कट गया और ये पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको पहले कपड़े पे अटैच करते हैं। अब हमने पहले पट्टी यहाँ पे गले की रख ली है और गले की हम चौड़ाई लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5.5 इंच है। 5.5 पे निशान लगाया और इसे हम यहाँ पे रख के सिल देंगे। पहले यहाँ से कट करेंगे। और अब हम पहले गले को इस तरह अच्छी तरह रख के बिल्कुल बराबर रखेंगे। कहीं से चौड़ा या कहीं से ये पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह हम रख के अब इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा देंगे। इसको हमने बड़ी फिनिशिंग से सिलना है, क्योंकि ये कपड़ा, इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा हमारा ऊपर दिखेगा। अब हम इस कपड़े को साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ के कट कर देंगे। अब हम इस कपड़े को हटा देंगे यहाँ से। और ये वाले में थोड़े थोड़े यहाँ पे नॉचिस लगाएंगे, क्योंकि ये हमने फोल्ड करना है। यहाँ से अगर गोलाई से हम कट नहीं करेंगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब हमने ये शर्ट का पीस ले लिया है। शर्ट का पीस है जो हमारा हमने उल्टा रखना है। और ये जो है ये भी हमने अपनी तरफ रखनी है, बुकरम वाली साइड। और अब इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। और टॉप की सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा। अब हमने इसको अंदर रख के अच्छी तरह, ये देखिए, सेंटर से सेंटर हमने मिला लेना है। और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। ये मेरे पास सुई है, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये सिर्फ इसको सेंटर रोकने के लिए, कि अपन हमारा ऊपर से अगर सिलाई लगा के आएंगे तो हिले ना।
तो अब हम यहां से सिलाई लगा के जाएंगे। अब हम इसको निकाल देंगे यहां से और बिल्कुल यहां पे सेंटर पे रखेंगे और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहां पे अब हम दो पैर चलेंगे, एक और दो। अब हम इसे रख के पहले ऊपर वाला कट कर देंगे कपड़ा सारा, बिल्कुल आधा इंच के करीब छोड़ना है आपने, इसे आपने काट दिया। और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और यहाँ से हमने कपड़ा इसको काट देना है क्योंकि अब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। और आपने बड़े ध्यान से काटना है इसको कि हमारा सिलाई ना हमारी कटे, इसमें कपड़ा ही कटे। अब हम इसे इस तरह पकड़ के इस तरह पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह रखेंगे। पहले ध्यान से हम हाथ से सेट कर लेंगे इस कपड़े को। और इसे हम ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे दूसरे हाथ में। पूरे गले को हमने इसी तरह सेट कर लेना है। इस तरह हमने इकट्ठा कर लिया इसको सारे गले को। और अब हम इसे इस तरह करके ये देखिए इस तरह हो जाएगा ये। अब बिल्कुल हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, लेकिन अब किनारे के अंदर मैंने एक लेस लगानी है जो ये इसमें प्रिंट है ये ग्रीन फ्रोजी कलर का, तो हम इसमें कलर यूज करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक कलर का नहीं दो कलर का हम डिजाइन बनाएंगे। इसमें मैंने ये देखिए ये बुक ये अपना गला है जो गले के नीचे रख लिया है, इसको गले के नीचे रख के और यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये आपने सिलाई बड़ी फिनिशिंग से लगानी है, इस साइड भी आपका कपड़ा खराब नहीं दिखना चाहिए और आपकी जो लेस है वो भी बिल्कुल ध्यान से लगनी चाहिए। यहाँ पे गोलाई देनी है, बड़े ध्यान से देनी है गोलाई। यहाँ से आप मशीन उठा दीजिए और पॉइंट टू पॉइंट की सिलाई देते जाइए और मशीन को सेट करके और लेस को भी सेट करके लगाइए। ये थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा, बड़े ध्यान से करें आप। अगर हम पहले इसके ऊपर अटैच कर लेंगे और बाद में यहाँ अटैच करेंगे फिर यहाँ पे सिलाइयाँ बहुत सारी हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो इसमें सिलाई एक ही आएगी। ये देखिए ये इस तरह पूरे गले में लेस लगती जाएगी। और जो ये व्हाइट कलर की आपको सिलाइयाँ दिख रही हैं ये हम सारी निकाल देंगे बाद में जब हमारे गले की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए ये हमने गले में अब हमने पाइपिंग भी ये जो लेस थी ये भी लगा दी है पूरे गले में। अब हम यहाँ पे लूप्स लगा के यहाँ पे बटन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक कपड़ा लूंगी इतनी लंबाई का, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं और इसे हम यहाँ से कट करके एक पट्टी बना लेंगे। ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। अब इसे इस तरह डबल कर लेंगे पहले, डबल करने के बाद फिर इसे इस तरह फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करके एक हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम यहाँ पे गले के
जितनी आपने डीपनेस रखनी है यहाँ तक हम डीप रखेंगे। उसके बाद इसे अटैच करना शुरू करेंगे। इस तरह हम इसे अटैच कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे सिलाई हम थोड़ी सी डबल कर देंगे क्योंकि ये खुले ना बाद में। अब मैंने ये डोरी बना ली है, ये देखिए। डोरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये डोरी बनाई हुई है मैंने। डोरी के अब हम लूप्स काटेंगे। हम 2-2 इंच की डोरियां इस तरह काट लेंगे। इस तरह 2-2 इंच की हम डोरियां काट लेंगे छोटी छोटी। अब हम सिलाई ऊपर से लेके आएंगे। और अब यहाँ पे ये रख के देख लेंगे कि हमने कहाँ तक पट्टी लगाई है। ये पट्टी हमारी बस यहीं से शुरू हुई है जहाँ पे हमारी सिलाई रुकी हुई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये इस तरह ये वाले लूप्स लगा देने हैं। हम 1-1 इंच का गैप छोड़ के लगाएंगे कि हमारे बटन्स लगे हुए दिखें। अगर हम बिल्कुल साथ साथ लगा देंगे तो बटन्स दिखेंगे नहीं हमारे। इनकी जो सिलाइयां हैं आप उनको डबल कर दीजिए कि ये जब हम पहने तो खुले ना। ये देखिए ये हमारी लूप्स लग चुकी हैं। अब हमने इसको पट्टी को इस तरह रखना है बिल्कुल सीधा। और जो ये हमारा डिजाइन है हम इसको इसके ऊपर कर देंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम एक सिलाई दे देंगे क्योंकि ये गला हमने बस जितना डीप रखना था ऊपर रख लिया है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है तो इस पे हम एक सिलाई देंगे। और ये मेरे बटन्स हैं तो इसके ऊपर हम इस तरह ये वाले बटन्स अटैच कर देंगे और ये बहुत ही प्रिटी गला बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये अब हमने लूप्स पे भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके ये व्हाइट वाले धागे निकाल के और बटन लगा के आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने गला बनाकर अब बिल्कुल तैयार कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल फिनिशिंग से जो धागे थे एक्स्ट्रा वो कटिंग कर दिए हैं और गला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और गला बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। आप भी इसे ट्राई करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।